कल जी को और भी जो लोग आए थे सबको मैंने क्लियर किया, प्रकाश जी भी थे। आज आप 26 तारीख को हमारे यहाँ आया, 27 तारीख से हमने जांच की प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई। हमारे अध्यक्ष महोदय ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया और 3 सदस्यीय कमेटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आप सबको पत्र भी दिया कि जो साक्ष्य आपके द्वारा सीडी में उपलब्ध, पेन ड्राइव में या जो भी उपलब्ध कराए गए हैं, 5 बिंदु आपका है रिटर्न में। पहला कि एक व्यक्ति को, इस एक लड़के को इससे उससे कहते हुए सुना गया, उसका उसका हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरा आपका था बेड़ो का स्कूल का कि क्वेश्चन पेपर सेकंड सिटिंग का फर्स्ट सिटिंग में खुल गया। तीसरा था आपका हजारीबाग के हिंदू हाई स्कूल का कि एक पुलिस पदाधिकारी को उत्तर का जांच ये लिखाते देखा गया। चौथा था आपका, चौथा क्या है, एक पॉइंट है आपका वो, रिपीटेशन क्वेश्चन। हाँ, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस, इस साल के इतने क्वेश्चन, इस साल के इतने क्वेश्चन, इस साल के इतने क्वेश्चन। हम लोगों ने उसी दिन, हाँ एक था आपको कि क्वेश्चन पेपर गलत बढ़ गया, गलत बट गया, और एक था आपको कि एजेंसी से कड़ी कार्रवाई, एजेंसी से पूछताछ की जा सकती है। अगर बोलिएगा तो मंगा देंगे हम वो फाइल, वो ब्रजेश को बोलिए वो फाइल ला देंगे हमको, जो इनका परिवाद पत्र वाला आया है। सभी बिंदुओं पर हमने, घबराइए मत, एकदम नहीं, एक बकाइए, समय दिया जाएगा आप, नहीं, हम या तो आप जब बोलिएगा तो हम सुनेंगे, या तो हम जब बोलेंगे जी आप बोलिए सर। हम जो अभी तक किए हैं हम उसका ब्यौरा रख रहे हैं। हमने सभी कार्रवाई कर दिया, हमने जैसे हम उस सीडी को, चूंकि हम हमको देखे कि बहुत ज़्यादा ये मामला इधर उधर हो रहा है, तो पेन ड्राइव का तो हमको लोकेशन मिल, ये मिल गया पूरा प्रिंट आउट। पेन ड्राइव को हमने बढ़िया से खंगाल लिया, पेन ड्राइव का जितना माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना था हमने कर लिया। हम उसमें 4 गवाह हमको मिल गए कि 4 गवाहों से पूछताछ अनिवार्य है। एक वो जिसने वीडियो बनाया है, दूसरा वो जिसने अपने एडमिट कार्ड के ऊपर 16 प्रश्न और 52 प्रश्नों का उत्तर लिखा, दो, और तीसरा जो आपका फटा हुआ टुकड़ा है, वो सब पर हम ऑब्जर्वेशन कर लिए। अब जो हमको 3 रिपोर्ट आना है बाहर से, एक एजेंसी से हमको लेना है उसका पक्ष, दूसरा रांची डीसी साहब के यहाँ से आ गया, हजारीबाग डीसी के यहाँ से बन बोले कि बन गया है, आ जाएगा। उसी क्रम में हम सीडी को उसी रूम में लगाए। हमारा ऑपरेटर बोला ये सर 702 MB पर शुरू होता है, उसी समय 702 MB पर ख़त्म हो जाता है। मैंने तुरंत देन एंड देयर कुणाल जी को फोन किया कि भाई ये सीडी खाली है क्या, ये सीडी आपने भर, क्या कहते हैं उसको, राइट करवाया था? तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, इसको लगता है जल गया होगा या बंट हो गया होगा, इसको एक लड़के ने दिया था, हमने वैसे ही आपको भेज दिया। तो आपने जब सीडी बनाई ही नहीं, सीडी में आपने देखा ही नहीं कि क्या है, और सीडी को राइट करवाया ही नहीं आपने, सामने में साक्ष्य के रूप में संलग्न कैसे कर दिया? लेकिन सर वो सीडी का जो साक्ष्य है वो सर हम आपको अभी, फिर भी हम बोले कि कुणाल भाई हमको पेन ड्राइव के रूप में या फिर से सीडी के, अच्छा मान लीजिए बनते हो गया, या आपका आरोप हो सकता है कि हम कर दिए होंगे, ये नहीं हो सकता है, आपके पास साक्ष्य है अभी दे दीजिए। एक बात, दूसरी बात कि 26 तारीख से ये प्रक्रिया चालू हुई है, 22 तारीख को एग्जामिनेशन खत्म हुआ, 22 तारीख को 1:30 बजे से इंटरनेट चालू हो गया, क्लियर। 22 तारीख से आपको हमारे पास पहुंचने में 22 23 24 25 26 5 दिन लग गए, और 26 27 28 29 30 उसी समय हमने दिया कि 30 तारीख को आपको उपस्थित होना है मूल मूल साक्षियों के साथ। मूल मतलब कि चूंकि आपका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर्ड है कि कहीं से आपने ट्रांसफर किया पेन ड्राइव में, दे 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 तो। सर, अरे हाँ देख लीजिए, मैं पे लीजिए, पेन ड्राइव में आपने कहीं से ट्रांसफर किया होगा, तो जब तक वो मोबाइल या जहाँ से वो ट्रांसफर आपने किया, जब तक वो स्रोत हमको नहीं देंगे, बिल्कुल आपको सर दिखाएंगे, कुणाल हम अपनी बात, सारा सही बात है, हम दिखाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, उसका हम एक्सपर्ट भी नहीं है, पहले भी बोल चुके हैं कि उसका एक्सपर्ट हम नहीं है, उसका जब भी जांच करेगा तो वो
एजेंसी कोई जांच करेगा या कोई जो सक्षम पदाधिकारी होंगे वो जांच करेंगे। उसी क्रम में हमने पत्र भी लिखा आपको, ठीक है, कि भाई 30 तारीख को आइए। तो आप सोच के देखिए कि 5 दिन भी नहीं बीता है और ये एक इतना बड़ा निर्णय, हम मान लिए कि तमाम साक्ष्य आपके सही है, लेकिन क्या जो FIR कराता है और जो पुलिस IO बनता है और जो DSP सुपरविजन करते हैं और जो SP सेकेंड सुपरविजन करते हैं वही जजमेंट भी देते हैं क्या? वो कोर्ट में मैटर नहीं जाता है क्या? तब तो हर दिन हर मामले का फैसला कोर्ट पे रोड पे होगा। एक मिनट ब्रदर, हम भागेंगे नहीं, हम ब्रदर एकदम नहीं भागेंगे आपसे। आप लोग डिस्कशन को छोटा रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, डिस्कशन नहीं छोटा क्यों करेंगे, आप अपनी बात रखें। बच्चे बहुत दूर से हैं। नहीं ठीक है, अगर 5 घंटे बच्चे को आप कष्ट दिए हैं हम लोग सब मिल करके, उसके लिए अगर मैं भी जिम्मेवार हूँ तो मैं उसको माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हम अपनी बात को आज नहीं रखेंगे। तो आप 5 दिन भी हमको समय नहीं दे रहे हैं, फिर बच्चों का जमावड़ा कर रहे हैं, फिर आप क्या इस जमावड़े के लिए आपने परमिशन लिया? क्या हमको सूचित किए? आप कहेंगे सोशल मीडिया में तो हम सब दे रहे हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन, हम भी तो लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन क्या ये राइट है? आपको कायदे से SDO साहब को इन्फॉर्म करना चाहिए था, कायदे से DC रांची को फोन करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए था, DSP को इन्फॉर्म करना चाहिए था, थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हमारे 1,000, 2,000, 5,000 बच्चे आएंगे, आप एहतियातन अपना क्यों कह रहे हैं? हो सकता है इस समूह में कोई 10 एंटी सोशल एलिमेंट आकर के और फिर पत्थर, जवाब खत्म। अब नहीं, एक पॉइंट और, अभी हम सुन रहे हैं क्या कि 30 तारीख को रिजल्ट निकलने जा रहा है? ये तो सुन करके हम माथा पकड़ लिए कि 30 तारीख को भैया करिए, 4 तारीख क्लियर सब लोग की, बहुत परीक्षा का रिजल्ट आया होगा, आया कि जिस एग्जाम में 3 लाख बच्चे बैठे हों, जिसके 18 लाख एंसर सीट हों, OMR हों, उसका 22 और 10, 12 दिन में रिजल्ट आ सकता है क्या? सोच के बताइए, हाँ या नहीं? कम से कम सुन लीजिए, 22 तारीख को एग्जाम हुआ, हम आंसर की कब पब्लिश किए? 26 के रात में पब्लिश किए, 6 दिन हम देंगे कम से कम उसको ऑब्जेक्शन के लिए। उस जो बच्चा ऑब्जेक्शन देगा, जैसे कल तक 800 करीब ऑब्जेक्शन आ चुका था, वो जितना भी ऑब्जेक्शन आएगा, 2,000 आएगा, 5,000 आएगा, वो ऑब्जेक्शन जितना भी आएगा वो एक्सपर्ट कमेटी को वो एजेंसी भेजेगी। वो एक्सपर्ट कमेटी अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, मान लीजिए जैसे हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 10 तो हमको खुद ही पता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी के लिटरेचर के UPSC और BPSC के विद्यार्थी रहे। तो जब वो एक्सपर्ट कमेटी सब सब्जेक्ट का, कितने सब्जेक्ट हैं, 15, 2, 17, 18, 19 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन आते आते कम से कम 8 से 10 दिन लगे। जब वो ओपिनियन आएगा तब फिर फाइनल आंसर की देगा 4 दिन के बाद, आप समय को जोड़ते जाइए। फिर उसके बाद जब वो फाइनल एक्सपर्ट आंसर किया जाएगा, तब वो हमसे CML के लिए गाइडलाइन मांगेगा कि CML का गाइडलाइन क्या होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी। हैं सर, एक मिनट, तो ये अफवाह फैलाना ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, ये मेरा कहना है कि कम से कम भी लगेगा तो 1.5 महीना, मिनिमम 1 महीना। एक आदमी सर, आपका कोई और कोई बचा है? हम बताना चाह रहे हैं शुरू से सर। सबसे पहली बात कि आप जो बोल रहे हैं कि बच्चे 4 तारीख को अफवाह उड़ा रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे ने कुछ लोग सोशल मीडिया में, मैं आपको बता दूं सर कि अफवाह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार साहब ने उड़ाया, गुनहगार तो यहाँ पे आपको साफ दिख रही है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बकायदा उन्होंने ये बोला कि कल हम आंसर की जारी करेंगे, और कल आंसर किया गया तो बच्चा क्या मानेगा? वो बोले कि 10 दिन में हम रिजल्ट जारी सार्वजनिक कर देंगे। हमको नहीं लगता है, आप सर मैं दिखा सकता हूँ वीडियो, सर आप यहाँ पर आश्वासन देंगे स्टूडेंट को? भाई एक आदमी बोलिए ना, पारा पारी बोलिए ना,
हम चाहते हैं हर आदमी बोलिए। उसके बाद सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, हर आदमी दस मिनट बोलिए, आपको कोई आपत्ति नहीं। चलिए ठीक है। दूसरी बात सर, हम लोग कोई भागने वाले नहीं। दूसरी बात सर, हेलो, अगर उन्होंने बोला गलत किया, मान लीजिए अगर गलती हुई बाई फ्लूक निकल गया सर, हो सकता है। दूसरी बात, जो आप रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर, कि हमारे पास जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें आई कि दो चार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ है, और मेरे पास ये पुख्ता प्रमाण है कि 32 क्वेश्चन टू द पॉइंट हम दिखा रहे हैं आपको, आगे के छोड़ देते हैं सर, मैथ्स और रीजनिंग के 16 दुने 32 क्वेश्चन, 20 में 16 यानी कि 22 वाले में, हां सर 22 वाले में, आगे बढ़ जाता है क्या कोई मेहनती लड़का? अगर 32 मतलब मैथ का हो गया, मैथ्स का 16, मैथ्स का 16। नहीं लाइव, हम लाइव को चला रहे हैं, चलाइए, बाहर के भीड़ को मत उसको चलवाइए, आप रखिए से बाद में दिखा लीजिएगा लाइव क्या होता है। जितने भी बच्चे हमें लाइव देखा है सर, पांडे सर बोले, एक मिनट, एक सर पांडे सर बोलिए,